इस साल 4 नहीं 5 माह का होगा चतुर्मास। 19 साल बाद अश्विन माह में आ रहा है अधिक मास। कब से शुरू हो रहे हैं चतुर्मास और क्या काम है वर्जित? 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो रहे हैं। चतुर्मास मतलब वो 4 महीने जब शुभ काम वर्जित होते हैं, त्योहारों का सीजन होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको एकादशी तिथि बता देते हैं। एकादशी तिथि 30 जून की शाम 7:49 से शुरू होकर 1 जुलाई की शाम 5:29 तक होगी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं पूरी जानकारी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आज हम बात करने वाले हैं चतुर्मास के बारे में। आप सब जानते हैं चतुर्मास जब प्रारंभ होता है तो इसका भी एक बहुत महत्व है। जो नहीं भी जानते हैं हमें अपने बड़े बुजुर्गों से जानना चाहिए कितनी इनकी मान्यताएं हैं, क्या फल मिलते हैं, आज वही जानेंगे। चतुर्मास भगवान नारायण के शयन अवस्था को कहते हैं। अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चतुर्मास चलता है। इस बार इसकी अवधि कुछ ज़्यादा होगी क्योंकि अधिक मास होने से लगभग 148 दिन के लगभग ये जाएगा। इस बार 1 जुलाई को एकादशी है, हरि शयनी एकादशी, उसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। फिर ये जाकर कार्तिक महीने के देवोत्थान एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जाकर चलेगा। इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित होंगे, विवाह शादी मुंडन संस्कार गृह प्रवेश आदि ये शुभ कर्म वर्जित होंगे। परंतु तपस्या के लिए, दान के लिए, तप के लिए, साधना के लिए, भगवत भक्ति के लिए ये चतुर्मास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। देखिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भगवान का नाम लेना, अच्छे कर्म करना तो हमेशा ही लाभदायक है, कल्याणकारी है। परंतु कोई अवसर हो, कोई तिथि हो, कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, कोई ऐसा मुहूर्त हो तो जिसमें करने से उसके लाखों गुना फायदे होते हैं और लाखों गुना नुकसान भी। शुभ कर्म करते हैं तो लाखों गुना फायदा होगा, वहीं बुरे कर्म हो जाते हैं तो उनका नुकसान भी लाखों गुना है। इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है किसी पर्व पर। चतुर्मास की मान्यताएं भगवान नारायण के 52 अवतार से जुड़ी हुई हैं। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार में राजा बलि के यहाँ अपने सारे स्वरूपों को पहरे में लगा दिया था तो उस अवस्था को निद्रावस्था शयन अवस्था कहते हैं। इस बार भगवान नारायण हरिशयनी एकादशी को 1 जुलाई को है, उस दिन से योग निद्रा में जाएंगे, शयन अवस्था में जाएंगे। ऐसी भी कथा है जब भगवान विष्णु शयन अवस्था में जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं तो उनका जो भरण पोषण का कार्य है वो भगवान शिव भगवान महादेव चलाया करते हैं। तो इन 4 महीनों में शुभ कर्म वर्जित होंगे, लेकिन किन चीज़ों को परित्याग करना है जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और हमारे से भी कार्य भी सिद्ध हों, तो देखिए इन महीनों में ईर्ष्या चुगली निंदा ये तो खैर वैसे भी नहीं करना चाहिए, पर इन महीनों विशेष करके ईर्ष्या चुगली निंदा तामसिक भोजन मांस मदिरा आदि का त्याग करना चाहिए। इन महीनों में दूध दही का भी त्याग बताया गया है, विशेष करके बैगन पत्तेदार सब्जियां इनका सबका परित्याग करना चाहिए, इनसे नुकसान होता है। देखिए पौराणिक मान्यताओं की हर बात अगर आप करते हैं तो सबकी वैज्ञानिक तथ्य से जरूर मिलेगी। इसकी वैज्ञानिक मान्यताएं ऐसी हैं कि ये वर्षा के दिन होते हैं, इन दिनों में पहली बात तो हमारी डाइजेशन पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, कम होती है, और इन दिनों में हवा में पानी में बैक्टीरिया कीटाणु जीव जंतु बहुत उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमें अपने भोजन का अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का बिल्कुल ही परित्याग कर देना चाहिए जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और सुखमय बना रहे। और इन चतुर्मास में आप भगवान के निमित्त, इसकी मान्यताएं हमारे जैन और बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। इन दिनों में जैन मुनि भी यहाँ वहाँ की यात्रा रोक करके एक जगह स्थिर होकर के भगवान के तपस्या करते हैं, उसमें लीन रहते हैं, और इसी तरह साधु संत महात्मा भी किया करते हैं। तो इसलिए हम सब तप तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए, बुरे कर्म से इन दिनों में विशेष करके बचना चाहिए जिससे हमारा
कल्याण हो और हमारा जीवन सफल हो जाए। इसलिए दर्शकों, चतुर्मास का बहुत महत्व है। आप सब जो जानते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, चतुर्मास में कोई भी आप शुभ कर्म करते हैं उसके लाखों गुना फल प्राप्त होते हैं, बशर्ते यहाँ विवाह शादी आदि शुभ कर्म वर्जित होंगे। जब ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी हरि प्रबोधनी एकादशी में भगवान शयन अवस्था से उठेंगे तो उसके बाद फिर ये शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। एक बार फिर बताऊं, हरिशयनी एकादशी 1 जुलाई को इस बार चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता रहेगा। विशेष करके इन महीनों में हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, एक तप पूर्ण जीवन जीना चाहिए, अल्प आहार लेना चाहिए, भोजन वही करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए, हमारे शरीर की स्वस्थता बनी रहे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वैज्ञानिक तथ्य से भी पाचन शक्ति इंद्रियों में कमजोर होती है तो स्वास्थ्य खराब, पेट आदि खराब का भय बना रहता है। इसलिए हमारे तप में, हमारे दिनचर्या में, हमारे पूजन में, हमारे नाम जाप में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और इन 4 महीनों तक हमेशा आप भगवान का स्मरण नियमित रूप से करते रहें, दान पुण्य तप परोपकार भगवान की आराधना, तो आपको बहुत फल प्राप्त होगा, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम। इस बार अश्विन माह का अधिक मास है, मतलब 2 अश्विन मास होंगे। आपको बता दें कि इस महीने में श्राद्ध और नवरात्रि, दशहरा जैसे त्योहार होते हैं। आमतौर पर श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि आरंभ हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे और अगले दिन से अधिक मास शुरू हो जाएगा जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसीलिए 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ होगी। इस तरह श्राद्ध और नवरात्रि के बीच इस साल 1 महीने का समय रहेगा। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।